इसमें ही मैंने हैजर्ड लाइट इंस्टॉल किया है। क्विक थ्रॉटल लगा दिया ना तो गाड़ी फास्ट होती है। मस्ती मस्ती में देखो क्या मिल गया है। ओहो नाइस। What's happening guys, this is Pretty Leo and welcome to this new vlog guys. We are in Pune and शाम के बज गए हैं, आते आते तेरे भी आते हैं, पीस कर दिया था भाई ने, तो अभी शाम के बज गए हैं 4:15, हाँ अभी तू कर सकते है। यो यो लेवल सबके निकलेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है यमा RX 100 जो कि है आज अभी का गाड़ी, एंड बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे स्टोरी पे इस गाड़ी को देख के, क्योंकि मैंने कल ही एक स्टोरी डाला था जिसमें मैंने मेंशन किया था क्विक थ्रॉटल पे वीडियो बनाओ क्या, तो बहुत ही ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। 4,000 का मेरा व्यू चला गया मेरा स्टोरी पे, तो बहुत सारा शेयर भी हुआ था, तो बहुत पब्लिक ने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो अपन आ गए आज बनाने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं 5910 जो कि है IG अभी का गाड़ी का नंबर, मेरा 3771 है। अभी मैं आप लोग को पूरा सब मतलब मैं नहीं बताएगा, IG अभी बताएगा, क्योंकि इस इंजीनियर महारथी इंसान ने खुद ही खोल खाल के सब मेरे को स्नैपचैट पे मेरे को भेजा था फोटोज़, जिसपे वो पूरा सब खोल खाल करके उसने सब इंस्टॉल मार दिया था। एंड सबसे मज़े की बात गाइस ये है कि इसमें भाई ने क्विक थ्रॉटल में ऑयल पंप का भी सेटिंग कर दिया है, विच इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग आइटम। और मैं उसी चीज़ के लिए उसको मतलब पहले मैं वॉर्न किया, मतलब लिटरली मैंने स्टोरी देखा और मैंने उसको बोला कि भाई थैंक्स फॉर रुइनिंग माय वीडियो। तो मैंने वो स्टोरी देखने के बाद मैं सबसे पहले मैं उसको यही बोला कि क्विक थ्रॉटल तू लगा रहा है तो तेरे को अभी प्रीमिक्स लगाना पड़ेगा। तो अगला ही मोमेंट में उसने मेरे को एक वीडियो भेजा जिसके अंदर ये कवर खुला हुआ था और ऑयल पंप यहाँ पे रहता और वो थ्रॉटल दे रहा है और वो भी वर्किंग कर रहा था। मेरा माइंड ब्लोन। तो वो भी अभी मैं IG अभी को पूछेगा एंड वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला है कि कैसा इसका वर्किंग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, थोड़ा सा हवा जाने के बाद अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी अपन शुरुआत करते हैं। तो IG अभी ने अपना टूल निकाल दिया है एलन की, तो ये खोल के दिखाओगे? हाँ दिखा ना, प्रूफ के साथ में हम दिखाएंगे आप लोगों को गाइस। तो ढक्कन खोल दिया गया है गाइस, तो IG अभी बताएगा अपने को कि कैसा उसने वर्किंग किया इसका। तो ये सबको मालूम है ये अपना टूटी पंप। तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये जिस जो केबल है टू वे केबल बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर मैंने पूरा स्टडी किया कि कैसे काम करता है, एक केबल से दो आउटपुट का ऐसा निकलता है। तो उसमें मैंने देखा बीच में ना एक जॉइंट रहता है जिसमें एक केबल आता है इन और दो केबल आउट से होता है। ओके तो उसका एक जॉइंट आता है, तो ये एक जॉइंट रहता है इसको गाला बोलते हैं। इसमें इधर जो बीच सेंटर है उसमें एक केबल लगता है और बाजू से दो केबल जाता है ऐसे नीचे, एक ऑयल पंप के लिए एक कार्बोरेटर के लिए। तो साइमल्टेनियसली वो दोनों खुलता है एक साथ। हाँ, तो ये अगर ये खींचा मतलब केबल हमने थ्रॉटल दिया तो ये कैसे ऊपर नीचे होएगा, और एक साथ दोनों इसमें अटकाया तो फिर दोनों ऊपर नीचे होएगा। करेक्ट। हाँ अभी इसको भी यूज कर सकते थे पर इसमें कैसे ये प्लास्टिक है और ये ऐसे दब रहा है, बेंड हो रहा है और ऐसा खुल रहा भी है। तो अगर मैंने केबल लगाया इनकेस अगर मैंने ज़्यादा जोर से दे दिया बीच में कभी टूट सकते। तो मैंने क्या किया, आरी का जो BS3 BS4 गाड़ी आता है उसमें टू वे केबल लगता है, एक कार्बोरेटर में जाता है और एक ECU क्या किसमें तो जाता है, तो उसमें रहता है ये एल्यूमिनियम का। तो मैंने आरी का एक केबल लिया खराब वाला फ्री में दे दिया एक गैरेज वाले ने और उसको इससे बीच में से कट किया और उसके अंदर एक एक्सीलेटर केबल और दो एक पंप का केबल और एक ये केबल डाल के डायरेक्ट फिट। ये केबल भी नया लिया, ये केबल तो इसके साथ ही आया था और ये जो ग्रीन पाइप है ये तो फ्यूल पाइप है, ये वाला पाइप ना। तो तेरे को ये साथ में आया नहीं था मतलब ये तूने अलग से लिया? हाँ, इसका कॉस्टिंग अलग है। जो रेस्टोरेशन के टाइम पे लगाया था ये है ओरिजिनल केबल, इसका रेस्टोरेशन के टाइम पे ही लगाया था। तो इसमें एक केबल आ रहा है और यहाँ से दो अलग हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अंदर ही सिस्टम रहता है उसका। तो ये बेसिकली खोला इसमें रहता है ऐसा गाला। अच्छा अभी ये कट नहीं है, मैंने क्या किया था इसके नीचे आएगा, मैंने इसमें से ट्राई करने के लिए सिर्फ मेरा जो ये था मेरा जो ये वाला गाला है सेम है, सिर्फ मैंने इसमें कट किया है लेफ्ट साइड राइट साइड में।
पर वो वेस्ट हुआ, मतलब नहीं चला। मैंने टेस्टिंग के लिए ही किया था, एल्यूमिनियम का ही लगाया मैंने मेरे इसमें, और बस एक केबल इसका ये इधर लग गया और एक इधर लग गया, और ये एक्सीलेटर का इधर से आया इधर लग गया, सॉर्टेड बस। और ये वापस पैक हो जाता है, वापस नया। तो लेकिन इस पे तू बोल रहा है कि ये अपना ये वाला सेटिंग इस पे नहीं कर सकते अपन, इस प्लास्टिक पे नहीं कर सकते, इसके लिए वही आरी का एक केबल लेना पड़ेगा, और उसमें से फिर वो पार्ट निकल के बस डायरेक्ट फिट है। अच्छा, जैसा निकला वैसा ही वापस लगा देने का। चलेगा, स्मोक भी बराबर परफेक्टली निकलेगा। क्विक थ्रॉटल का कैसा सीन रहता है ना, क्विक थ्रॉटल उसका मतलब ही होता है कि ये बहुत ही जल्दी आपका एक्सेलरेशन जो रहता है ना, अभी स्टॉप थ्रॉटल समझो 100% पे खुलता है ना फुल आपका थ्रॉटल, तो ये 60-70 पे ही मतलब मेरे को लगता है पूरा एंगेज हो जाता है आपका 100% थ्रॉटल, तो वही रहता है और कुछ नहीं रहता है। अभी इसका गाड़ी तो पूरा स्टॉक है तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आईजी अभी ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इसको इंस्टॉल किया था अपने गाड़ी में। बाकी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कभी भी, मैं जितना भी मेरा सब्सक्राइबर लोग पूछते हैं आप अपने गाड़ी में क्विक थ्रॉटल क्यों नहीं डालते, तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेरा गाड़ी भी स्टॉक है और जो गाड़ी फुल्ली ट्यून रहता है उस गाड़ी में सेंस बनता है कि भाई क्विक थ्रॉटल डालना, तो इसने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए डाला, बाकी मेरा रिकमेंडेशन तो कभी भी नहीं रहेगा। अभी जो सबसे मज़ेदार चीज़ हम लोग करने वाले हैं, जस्ट अ स्नीक पिक, अगला व्लॉग में क्या आने वाला है वो है, वो 3x पे डाल दिया रहेगा आईजी अभी ने, आप लोग ने देख लिया है, दैट इज माय RX100 का चेंबर, मेरा खुद का जो मेरे गाड़ी पे आप लोग ने पहले ब्लॉग्स में देखा है वही वाला चेंबर हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले, तो बहुत ही क्रेजी वाला मस्त कंटेंट आने वाला है। तो क्विक थ्रॉटल विद चेंबर स्टॉक RX100 कैसा इनपुट आएगा आप लोग को मज़ा आएगा देखने के लिए। और इसके गाड़ी में जो सबसे बेहतरीन चीज़ एकदम मस्त वाला वो है 1mm का G1 वाला ओरिजिनल ब्लॉक अनस्लीव्ड, तो पावर भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, मतलब मेरे गाड़ी से भी बहुत ज्यादा पावर होने वाला है इस गाड़ी के अंदर, रील भी आएगा एंड प्रॉपर वाला व्लॉग भी आने वाला है। एंड गाइस आप लोग ने ये तो देख लिया सब क्विक थ्रॉटल का कैसा वर्किंग है, तो आईजी भी जरा बता ये क्या आइटम है, ये वाला जो दो बटन है देख, अभी बेसिकली क्या है, इससे बेटर ऑप्शन है डोमिनो का जो क्विक थ्रॉटल आता है वो, क्योंकि पूरा मेटल बिल्ड है और ये प्लास्टिक बिल्ड है। ओके, मेरा लेने का पर्पस यही था, मेरे को हैजर्ड लाइट चाहिए था, इसमें ही मैंने हैजर्ड लाइट इंस्टॉल किया, तो इसको तूने हजार किया है, तो अभी हजार जरा दिखा दे, सुन लेना है, पहले हजार दिखा, ओहो नाइस, हजार फुल्ली वर्किंग, और इसको जैसा बंद कर देंगे ना ये वाला बटन पे उसने प्रोग्राम किया हुआ है, तो उस जगह का बराबर चालू नहीं, जुगाड़, हाँ जुगाड़ जो भी है, XYZ ये राइट लेफ्ट नॉर्मल, और इफ इस पे मैंने स्विच किया ये ऑन, इंडिकेटर ऑन करके मैंने बटन दबा दिया, तो चारों चलेगा, हाँ चारों चल जाएगा। हाँ अभी कंटिन्यू, क्या बोल रहा था तू? मैं क्या बोल रहा था कि ये जो क्विक थ्रॉटल है वो यूनिवर्सल है, कोई भी गाड़ी पे लगता है, BS4 BS6 वो वाला, तो उसमें का ऐसा स्टार्टर बटन रहता है और उनका LED ऑन ऑफ का रहता है, करेक्ट, तो ये उसके लिए, मतलब ये स्टार्टर हुआ और ये LED ऑन ऑफ का हुआ उस गाड़ी के लिए, करेक्ट, तो मेरे गाड़ी में थोड़ी स्टार्टर और LED ऑन ऑफ है, मैंने वही माइंडसेट से मैंने कि हाँ भाई हैजर्ड लाइट लगाना है इसमें, तो ये मैंने लिया, मेक सेंस, तो मैंने अभी डोमिनो का मंगाया, करते रहे तू, कीड़े करते रहे, ऐसा कुछ ना कुछ मंगाते रहे, सो यही था गाइस ऑन द क्विक थ्रॉटल, ये ऐसा ये वीडियो है ना, और टूटी पंप और क्विक थ्रॉटल एक ही वीडियो है यूट्यूब पे, अगर तेरा वीडियो गया तो तेरा सेकंड वीडियो रहेगा, और प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो तेरा रहेगा। अच्छा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्या उसमें, सिर्फ DIY थिंक है, अच्छा DIY जैसा बना दिया क्या, उधर गाइस लफड़ा हो गया, निपा निपी लफड़ास, तो अभी अपन स्विच करते हैं GoPro पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्विक थ्रॉटल कैसा वर्किंग करता है, एंड फिर उसके अंदर अगला जो व्लॉग आएगा वो डेडिकेटेड रहेगा फुल्ली चेंबर के ऊपर, सो लेट्स स्विच टू GoPro। मस्ती में देखो क्या मिल गया है, राजदूत लिखा है आईजी अभी के गाड़ी के पंप वाला कवर पे, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी, मतलब अभी मेरे को ये खुद पूछ रहा था कि तेरे गाड़ी में भी लिखा हुआ है, तो गाइस ऐसा खजाना मिल जाता है गाइस कभी कभी अपन गाड़ी लेते हैं तो, चलो अपना नसीब में क्यों नहीं है भाई ऐसा कुछ, मेरा तो ब्लॉग भी खोला तो भी स्लीव निकल गया।
सो गाइस अभी अपन गाड़ी को चलाएंगे एंड आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा एम्प्टी रोड है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अभी इसका साउंड भी ऐसा आ रहा है क्योंकि RX 135 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। हम लोग को 6 होल वाला RX 100 का साइलेंसर नहीं मिला तो 135 का एग्जॉस्ट लगाया है और डिविगलर कट किया गया है, जैसा मेरा डिविगलर कट होता है ना, मेरा किया था मैंने। अच्छा साउंड है, चलने में ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है, बस बोलते ना आपका थ्रॉटल जल्दी एंगेज हो जाता है और कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर। ना आपका गाड़ी का पावर बढ़ेगा, ना आपका गाड़ी फास्ट होएगा। बहुत वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है पब्लिक को कि क्विक थ्रॉटल लगा दिया ना तो गाड़ी फास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका कार्बोरेटर खुलेगा और वो उसी तरीके से पावर देगा जिस तरीके से वो बना है, उसका वर्किंग जैसा है। आपका थ्रॉटल जल्दी खोल देने से क्या पावर आपका जल्दी नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो आएगा उतना ही टाइम में, बस फर्क इतना है कि आपका थ्रॉटल जल्दी खुल रहा है। ये सबसे बेस्ट काम करता है जो ट्यून्ड गाड़ी रहते हैं, पोर्टेड गाड़ी, उन पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लगता है इसका कॉन्सेट का काम निकला है, कट कट आवाज़ आ रहा है यहाँ से। अभी चेंबर लगाएंगे ना तो सबसे ज्यादा मजा चेंबर पे आने वाला है। ये भी बहुत ही मतलब यूनिक सेटअप है गाइस एग्जॉस्ट का, अभी जो IG अभी ने लगाया हुआ है। 135 का एग्जॉस्ट इजीली मिल जाता है और उसके अंदर उसने कट वाला डिविकलर लगाया तो कुछ ऐसा साउंड करता है ये। बाकी ये एक अड़चन है जो आपका स्पीडोमीटर के बीच में आता है, आपने साउथ वाले जितने भी हिल्स वगैरह देखे रहेंगे ना उसमें आइटम दिखता ही है और मेरे को बहुत अजीब लगता है ये। पावर सेम है, पावर में कोई फर्क नहीं है, बस थ्रॉटल जल्दी खुलता है, ये सबसे बड़ा तकलीफ है इसका। न्यूट्रल में कभी जल्दी जाता नहीं है गाड़ी, ये स्टैंड भी आगे चला गया इसका। सो या गाइस, दैट वाज द व्लॉग ऑन द क्विक थ्रॉटल, आई होप यू ऑल एंजॉयड। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि भाई क्विक थ्रॉटल पे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, मैं कभी ख़रीदा नहीं उसको तो मतलब मैं फिर बना ही नहीं पाया, तो IG अभी ने लिया था तो उसी रीज़न से मैं बोला चलो पुणे एक राउंड मार ही रहे तो इसके ऊपर भी वीडियो हो जाएगा अपना अच्छा खासा। अभी चेंबर इंस्टॉल करेंगे फिर उसके अंदर उसका भी एक व्लॉग आएगा एंड रील भी आएगा, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को जाकर फटाफट फॉलो कर दीजिए, ID आ रहा है यहाँ पे। अंटिल देन गाइस, राइड हार्ड राइड सेफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।